उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ी, जो कि इस वार्ता के 15 दिन बाद फाइल की गई है। और आप ये भली प्रकार जानते होंगे, उस मीटिंग में हम खुद स्वयं उपस्थित थे। और सच बूझिए तो आज आम शिक्षा मित्र साथी के मुंह से सुन भी लिया होगा, जनवरी 2014 की वह शाम जिस समय माननीय प्रमुख सचिव नितेश्वर कुमार जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप लोगों के लिए टीटी करने के लिए 5 वर्ष का हम समय देंगे, इसी बीच में आप सभी का जिनका प्रशिक्षण पूरा होता जाएगा उनको शिक्षक बना दिया जाएगा और इस बीच पूरा वेतनमान भी दिया जाएगा, लेकिन आपको टीटी करनी पड़ेगी। तो सिर्फ आप ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट कहा कि सर हम मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, टीटी हमको स्वीकार नहीं है, और आप जाके गोमती किनारे बैठ गए और आज शिक्षा मित्र ही बने बैठे हैं। यह सब आपकी करनी का ही प्रतिफल है। रही ईपीएफ की बात, तो क्या आपको पहले से यह दिमाग में नहीं आया कि इस संबंध में सरकार से वार्ता की जाए? जब हमारे संगठन के एक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रयास किया गया, प्रयास में दो ही चीजें हैं, या तो प्रयास सफल होगा या असफल। अगर असफलता हाथ लगी तब आप आज हमारे लिए यह सुझाव दे रहे हैं कि पहले वार्ता की होती, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कोर्ट के माध्यम से प्रयास किया गया, आप वार्ता कर लेते। अब भी समय है, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। हम सभी जानते हैं कि सभी शिक्षा मित्रों के हितों को ध्यान में रख के ही अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ कार्यों में सफलता मिलती है, कुछ में असफलता। इसलिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना किसी सही नेतृत्व का कार्य नहीं है। एवं जब आपको लगता है कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कह दिया जाता है कि ये पत्र तो हम पहले ही भेज चुके हैं। इस तरह के पत्र हमारे संगठन के माध्यम से अक्सर सरकार को प्रेषित किए जाते रहे हैं एवं भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। अब माननीय नेताजी कुछ आपके कार्यों पर भी प्रकाश डाल दें जो अति आवश्यक है। अब से कुछ समय पूर्व एक वीडियो आपका प्रसारित किया गया था जिसमें दिख रहे थे नोटों को उड़ाते हुए, जिस पर शिक्षा मित्रों ने जब कमेंट्स किया तब उस पर यह जवाब आया, ये हमारा व्यक्तिगत घर का कार्यक्रम था। तो सिर्फ हमको यह बता दीजिए, आप अपने आप को 170,000 शिक्षा मित्र या शिक्षकों का नेता मानते हैं, जो कि एक बहुत ही सम्मानित पद है। हमारे सनातन धर्म में जो व्यक्ति एक समूह के हितों का ध्यान रखे, जिसका नेतृत्व करे, उसे राजा की संज्ञा दी गई है। और राजा का कुछ भी अपना नहीं होता, उसका प्रत्येक कार्य पूरे समूह की विचारधारा को व्यक्त करता है। उस वीडियो से ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही लज्जित हुए हो, पूरा समाज लज्जित हुआ था। इसलिए भविष्य में आपसे यही आशा है कि इस के कुकृत्य से